इन दिनों कभी भेड़िया तो कभी सियार दहशत का एक पर्याय बन चुके हैं। जी हाँ, अभी तक लोग भेड़िए के पीछे पड़े हुए थे कि भेड़िए को पकड़ा जाए, क्योंकि ये लोगों के जान के साथ कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है। अब बिहार में मुजफ्फरपुर प्रखंड की बात करें तो भेड़िए के साथ अब सियार का आतंक नजर आता है। सियार को पकड़ने के लिए मुनादी की जा रही है, सियार को पकड़ने के लिए वन विभाग को सूचित किया जा रहा है, क्योंकि ये सियार जो है अचानक से हमलावर हो गया है। सियार के आतंक से लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। सियार के का खौफ इस कदर है कि महिलाएं जो हैं वो बिना पुरुषों के घर के बाहर निकल नहीं रही। ये माना जा रहा है कि कुछ वक्त पहले तक इस पूरे इलाके में दूर दूर तक कहीं भी सियार का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन कुछ वक्त से बार बार सियार के हमले में बच्चों के साथ महिलाएं जो हैं वो जख्मी हुई और इलाजरत हो गई अस्पतालों में। गांव के लोगों की तरफ से अब रथ जग्गा किया जा रहा है। मुनादी के साथ लोग अब एक एक करके कहीं ना कहीं अपने परिवार और इस गांव को बचाने के लिए रथ जग्गा करने को विवश हैं। हालांकि सियार तो पकड़ से दूर है, वन विभाग को सूचना भी है और वन विभाग भी इसे लेकर अलर्ट मोड पर है। कवायद के तौर पर बेड़े जरूर लगाए गए हैं, पिंजड़े लगाए गए हैं, ताकि सियार को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लोगों के अंदर जो डर और खौफ है उस डर और खौफ को खत्म किया जा सके, लेकिन सियार भी शातिर है और अभी तक लोगों की गिरफ्त से बाहर है। एक बार फिर से ये कोशिश कि जल्द से जल्द ये सियार पकड़ में आए और लोगों के अंदर जो डर है उस डर को खत्म किया जा सके।